काउंट ए। यह फंक्शन नंबर और न्यूमेरिक और टेक्स्ट एंट्री को काउंट करता है। यह ब्लैंक को इग्नोर करता है। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं, पहला कॉलम सी है, इसका दूसरा डी है, तीसरा ई में है और चौथा कॉलम एफ में है। एफ में कुछ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है जिसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट रो में, काउंट ए। इसको देखने से पहले सिंटेक्स को देखते हैं। पहले काउंट ए ब्रैकेट के अंदर रेंज वन, रेंज टू, रेंज थ्री, थ्रो टू रेंज थर्टी। यहाँ पर हम केवल रेंज वन को देखेंगे। कहने का मतलब है इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट के अंदर रेंज होगा। ये मेरा सिंटेक्स है और इसी सिंटेक्स के आधार पर ये फॉर्मूला डाला गया है। काउंट ए ब्रैकेट के अंदर सी फोर से ई फोर तक, ये मेरा सी फोर है, इससे ई फोर तक वैल्यू काउंट कर लेंगे। तो पहला 10 है इसलिए 1 काउंट होगा, दूसरा 20 है, 2, तीसरा 30 है इसलिए यहाँ 3 काउंट होगा। दूसरे में 10 है, दूसरे रो में 0 है, 30 है, ये तीनों के तीनों काउंट होंगे इसलिए ये 3 डिस्प्ले है। तीसरा में 10 है, माइनस 20 है और 30 है इसलिए यहाँ 3 काउंट होगा। चौथे केस में, चौथे में पहला कॉलम में 10 है, दूसरा 1 नवंबर 1988 जो एक्चुअल में जनरल फॉर्मेट में एक नंबर ही है तो इसलिए काउंट यहाँ 2, ये 30 इसलिए 3 डिस्प्ले हुआ। आगे 10 है, 21 30 ये टाइप है, एक्चुअली में इसको जनरल में देखेंगे तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू ही शो करेगा तो इसलिए ये, और ये 30 तीसरा 3 शो कर रहा है। यहाँ पर पहला में 10 है ये होगा, दूसरा में 0.87 है। काउंट ए को पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट रहे चाहे नहीं फिर भी ये काउंट करेगा इसलिए ये दूसरा और ये तीसरा इसलिए यहाँ 3 शो कर रहा है। अब अगला रो में पहला है 10, दूसरा ब्लैंक। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह ब्लैंक को इग्नोर करता है इसलिए वैल्यू नहीं लेगा, और तीसरा 30 है इसलिए ये काउंट करेगा इसलिए यहाँ 2 हो गया। पहला वैल्यू है इसलिए काउंट किया। दूसरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट ये काउंट ए काउंट करता है इसलिए ये काउंट करेगा दूसरा, और ये तीसरा वैल्यू को काउंट करेगा इसलिए 3 डिस्प्ले हुआ। अब ये 10 है, यहाँ एरर वैल्यू है जो कि एक टेस्ट फॉर्म में है, और ये वाला 30 इसलिए ये तीनों काउंट हुआ तो ये 3 हो गया। सिंटेक्स में कहता है काउंट ए रेंज 1, रेंज 2, कॉमा रेंज 2, कॉमा रेंज 3, ऐसा करते हुए रेंज 30। काउंट ए
काउंट ए के अंदर ये सिंगल रेंज है, लेकिन यह रेंज और भी आगे बढ़ सकता है। मतलब ये तो रेंज वन है, इसके आगे रेंज वन है, इसके आगे हम रेंज टू, रेंज थ्री ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए ये रेंज 30 तक जा सकता है, 30 तक जा सकता है, और ये उस लिमिट तक वैल्यू को काउंट कर सकता है। उम्मीद है एक्सेल का काउंट एक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।